नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेज़र एनी लाइन सेगमेंट, मीन्स किसी भी लाइन सेगमेंट को आप कैसे मेज़र कर सकते हैं या फिर कैसे उसे नाप सकते हैं. सो आई विल टेल यू हाउ टू मेज़र अ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. ओके, सो हेयर आई हैव वन स्केल. एज वी नो दैट इन द स्केल द मार्किंग इज गिवन इन सेंटीमीटर. स्केल में जितनी भी मार्किंग होती है वो सेंटीमीटर्स में गिवन होती है. ओके, एंड वन सेंटीमीटर हैज़ 10 डिवीज़न इन इट. ये जो 1 सेंटीमीटर है, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर है, इसमें टोटल डिवीज़न कितनी है आपकी, 10. यहाँ से यहाँ तक है 5, फिर यहाँ से यहाँ तक है 5. सो टोटल 10 डिवीजन्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर. ओके, और यू कैन से 1 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ओके, सो हाउ वी विल मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल. सपोज हेयर वी हैव 1 लाइन सेगमेंट AB. Okay, and the length of this line segment you have to measure with the help of this scale. So how you will measure? You will keep the zero mark of this scale on the point A. जो zero point है scale का उसको आप रखेंगे A end point पर, और फिर आप देखेंगे कि ये B से कहाँ पर match हो रहा है. तो B से ये coincide हो रहा है किस point पर, 10th पॉइंट पर. ओके, कौन से पॉइंट पर कॉन्साइड हो रहा है, 10th पॉइंट पर. इट मींस इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 0 से लेके 10, इट मींस 10 सेंटीमीटर. बिकॉज यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड पॉइंट 0 पे लिया है और सेकंड जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पर इसको कॉन्साइड कर रहा है, 10th पॉइंट पर. ओके, 10th मार्क पर. सो टोटल डिस्टेंस और टोटल लेंथ आपकी हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर. सो द लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओके, सो द टोटल लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर एनी लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्केल.